तो आप कार्यक्रम में बिराजी हो, अधिकतर बेटियां बाहर रहते हो, जींस पैंट और टी शर्ट अपनी बेटियों को पहनाती हो, सभी माँ बिराजी हो। जींस और टी शर्ट अगर माताओं बहनों की वेशभूषा होती तो सारे घर में माताओं बहनों जींस पैंट और टी शर्ट पहनो, अच्छा लगे तो खूब पहनना। वहां पर हमारे आश्रम में बेटियां आती है कोई जींस पैंट टी शर्ट पहन के, मैं उनको अपने हाथ से प्रसाद भी नहीं देता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी वेशभूषा ये है, घर में जाकर के तेरी दादी माँ को पहनाना, तेरी माता जी को पहनाना, अच्छा लगे तो पूरा परिवार पहनना। पर नहीं है वेशभूषा हमारी, ये वेशभूषा लड़कों की है, पुरुषों की है। अगर पुरुष लोग आपकी वेशभूषा धारण कर ले तो सभी उनको क्या कहेंगे? आप लोग अगर वेशभूषा महिलाओं की पहनो तो आपको सब हिजड़ा कहेंगे, पुरुष भी कोई नहीं कहेगा। इसलिए जिसको जो शोभा दे वो वेशभूषा पहननी चाहिए। मेरा उदाहरण देता हूँ, अगर मैं साधु हूँ, आपके बीच में आया हूँ, आप मुझे कोई नहीं जानते हो, मेरे अंदर दुर्गुण होंगे, लाखों दुर्गुण होंगे, पर इस वेश में आया हूँ, आप मुझे साधु कहकर के ऊपर बैठा हो और मेरे अंदर कोई साधु का गुण न हो, वेश पहना हुआ इसलिए आप सम्मान कर रहे हो, और मैं साधु हूँ, सारे मेरे अंदर साधु के गुण हो, मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आता, कोई मेरा सम्मान करता क्या? सब कहते हैं कोई जींस पैंट टी शर्ट पहने बाल बढ़ा हुआ कोई आदमी आया था, कोई साधु भी नहीं कहता। ये वस्त्र का प्रभाव है। आप लोग अभी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा कि सिनेमा देखने क्यों आयो, और मैं चला जाऊं सिनेमा हॉल में तो सब मुझे देखेंगे, बाबूजी को ही बुद्धि खराब हुई जटे आया है। ये वेश का प्रभाव है, जीवन में वेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेटियां, हम आपके संरक्षक हैं, हम आपके गार्जियन हैं, हम आपके गुरु हैं, हम आपके पिता तुल्य, इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि इस समय वेशभूषा अच्छी पहनो। और माता बहनों, आप लोग आंख मिचती हो, इस समय संक्रमण काल चल रहा है, इस समय बहुत सारी क्या कहें, अभी आपने केरला स्टोरी देखी होगी, ऐसी घटना क्यों घटती है? क्योंकि माता पिता अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती है, माता पिता का कहीं ना कहीं माँ आंख मिचती है, इसलिए ऐसी दुर्घटना घटती है जिसके कारण पूरे परिवार को नीचे देखना पड़ता है, जिसके कारण समाज को नीचे देखना पड़ता है, जिस गांव में रहते उस गांव को नीचे देखना पड़ता है। अरे बेटियां, आप जिस माँ की गोद में खेली हो, जिस माँ ने आपको पाल पोछ के बड़ा किया है, एक माँ के जब बच्चा गर्भ में आता है उसको कितनी पीड़ा होती होगी, और जब माँ जन्म देती है उस समय शरीर की 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतनी पीड़ा माँ को होती है। वो खिला पिला के 20 साल तक पाला है, जब ऐसा कोई घटना घटती है, माता पिता सामने जाते हैं तो बेटी कहती है कि मैं तो आपको जानती ही नहीं, उस समय माँ बाप के हृदय में क्या बीतती होगी, ये कभी विचार करना। और ऐसे गलत रास्ते पे कौन जाता है? जिसके अंदर संस्कार नहीं होते वो ऐसे गलत रास्ते पर जाते हैं, जिसके अंदर संस्कार होंगे वो 7 बार विचार करेगा कि मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगी तो मेरे पिता के हृदय में क्या बीतेगी, मेरी माँ के हृदय में क्या बीतेगी। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहती हो? इतने बड़े नाखून किसके थे? रामायण महाभारत देखी होगी, सबसे ज्यादा गंदगी नाखूनों में रहती है, इसलिए नाखून रखती हो, पता नहीं क्या क्या मुंह पे पॉलिश लगाती रहती हो, कितना रुपया उसमें बर्बाद करती हो, कितना गंदा होता है। अगर अच्छा चेहरा बनाना ही है, गौ माता का घी लगा दो, मुल्तानी मिट्टी लगा दो, खूब अच्छा चेहरा हो जाएगा। माँ बहन को तो वैसे